म्यूज़िक इवेंट में तो मैं बचपन से म्यूज़िक ही बजा रहा हूँ, तो जब म्यूज़िक इवेंट में आऊँगा तो ऐसा लगता है कि मतलब घर ही आया हूँ। ये एक्चुअली जैज़ और फ्यूजन म्यूज़िक का एक एल्बम लॉन्च है, तो फ्यूजन म्यूज़िक के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, इतने से म्यूज़िक इंडस्ट्री में है? फ्यूजन जैज़ तो सब इतने सालों से कर ही रहा हूँ, जैसे आपने देखा है कॉलोनियल कज़न्स, वो भी फ्यूजन है, कोक स्टूडियो भी जो मैंने स्टार्ट किया वो भी फ्यूजन ही है। तो फ्यूजन म्यूज़िक मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ और मैंने सब देखा कि इंडस्ट्री में कैसा शिफ्ट हुआ है, कैसा चेंज है, और बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने और आर्टिस्ट, नए आर्टिस्ट जो है बहुत टैलेंटेड है, सब अपने अपना 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 रंग बता रहे हैं अपने का म्यूज़िक में। आप जो अपने रंग की बात करें, 90s की बात है, आज के समय में उस तरह का मतलब मीडिया है तो मिलता है, लेकिन उस तरह प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है प्राइवेट एल्बम को क्या करने के बारे में, क्योंकि माहौल थोड़ा चेंज हो गया है। लेकिन मेरे हिसाब से म्यूज़िक चेंज नहीं होना चाहिए, म्यूज़िक का मार्केटिंग चेंज हो गया है, तो उस हिसाब से मार्केटिंग के लिए म्यूज़िक थोड़ा शिफ्ट हुआ है। लेकिन जब अच्छा म्यूज़िक रहता है तो लोगों को पहुंच जाता है, दिलों को दिल में जब लगता है तो अच्छा लग जाता है। एक एस्पायरिंग म्यूजिशियन या आर्टिस्ट है तो वो अपने प्रोडक्ट को कैसे मार्केटिंग कर सकता है, कैसे प्लेटफॉर्म कैसे उसे मिल सकता है अगर वो निकालना चाहे तो प्राइवेट में? एक टाइम था जहाँ बहुत मुश्किल था, क्योंकि सिर्फ रिकॉर्ड लेबल्स के थ्रू ही जा सकते थे। अब जब से इंटरनेट शुरू हुआ है, यूट्यूब शुरू हुआ है, ऑनलाइन साइट्स है जहाँ आप अपना एल्बम प्रमोट कर सकते हैं, खुद आप खुद बेच सकते हैं, तो अगर आपको वो करना है तो वो भी कर सकते हैं, आपको अगर रिकॉर्ड लेबल के थ्रू जाना है वो भी कर सकते हैं, तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। और उसमें क्या हुआ है कि बहुत से लोग आर्टिस्ट बन गए, क्योंकि उनको ऑप्शन है, आर्टिस्ट बनना है तो बन जाओ, पहले तो आपको बनना है, लेकिन जब तक रिकॉर्ड लेबल या कंपनी सोचेगी नहीं कि आप में वो बात है जो उनको चाहिए आर्टिस्ट में, तो आप नहीं बन सकते। जब तक वो उनके थ्रू आप नहीं जाए, वो आपको स्क्रीनिंग नहीं करे, अभी क्या स्क्रीनिंग वीनिंग बिना सब अपने आर्टिस्ट, तो एक हिसाब से म्यूज़िक ही चेंज हुआ है। लास्ट में आपको रिसेंटली आर्टिनेशन अवार्ड्स में म्यूज़िक कंट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड दिया गया था, उसके बारे में जानना? मैं बहुत खुश हूँ कि ये आरके अवार्ड एक्सलेंस का अवार्ड मुझे नेशनल अवार्ड मिला है, और अच्छा लग रहा है कि लोग सुन रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, क्या म्यूज़िक। एक तो जब हिंदी पॉप पर ही हूँ मैं, जानम समझा कर वो सब स्टार्ट किया हिंदी पॉप, उसके बाद जब रीमिक्सेस मैंने स्टार्ट किया आशा जी के साथ, राहुल अनाए, पिया तू अब तो आ जाओ मेरे सोना, फिर उसके बाद कॉलोनियल कज़न्स फ्यूजन जो हरिहरन के साथ फ्यूजन किया है, तो कृष्णा, सानी थप्पा, वो सब गाने, और अब जब कोक स्टूडियो इंडिया में जो मैंने स्टार्ट किया, तो ऐसा लग रहा है कि जब ये अवार्ड मिल रहा है तो ये सब जो मैंने किया है सब लोगों ने सुना है, उनको अच्छा लगता है, एंड आई फील वेरी ऑनर्ड। लास्ट क्वेश्चन, अभी हाँ अभी प्रोजेक्ट्स तो ओके, जैसे मैंने कहा पहले की तरह नहीं है, लेकिन मैं बहुत अलग सा म्यूज़िक मेरे लिए खुद के लिए कर रहा हूँ, जो मैं खुद गाऊँगा, बहुत से बहुत सा म्यूज़िक कर रहा हूँ जो अभी बॉलीवुड में आएगा, और कल ही मेरा मराठी पहला मराठी फिल्म का लॉन्च हुआ था, ये श्रेयस पोस्टर बॉयज जो श्रेयस तलपड़े का फिल्म है, शंकर महादेवन उन सब ने गाया है, तो मेरे हिसाब से म्यूज़िक अभी एक बॉक्स में नहीं होता है, तो अभी बहुत से एवेन्यूज़ है, और मेरा लाइव परफॉर्मेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। थैंक यू।